साहिबगंज शहर के नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की दोपहर को किसी क्राइम की खबर को संकलन करने गए पत्रकारों के साथ नगर थाना प्रभारी सुनील सिंह द्वारा अभद्र व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों बिहार के महाराजगंज के सांसद जगन्नाथ सिंह सिग्रीवाल के साथ साइबर अपराधियों द्वारा 89 लाख रुपए अवैध निकासी के मामले में बिहार पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए साहिबगंज नगर थाना पहुंची थी। इस खबर को संकलन करने को लेकर साहिबगंज के कई पत्रकार नगर थाना पहुंचे थे, परंतु मामले में थाना प्रभारी द्वारा कोई भी बात बताने से इनकार कर दिया गया। फिर पूछताछ के क्रम में कुछ बातों को छुपाने को लेकर पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। पत्रकारों ने बताया कि नगर थाना प्रभारी सुनील सिंह ने कई मामलों में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर चुके हैं और कोई भी जानकारी देने से बचते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार मामले को लेकर दर्जनों पत्रकार स्थानीय परिषदन में कार्रवाई की मांग को लेकर एक बैठक किए। पत्रकार साथियों से पता चला है कि नगर थाना में खबर के कवरेज के दौरान नगर थाना प्रभारी ने हमारे साथियों के साथ पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इसको लेकर अभी सभी साथी हमारे यहाँ जमा है और हम एक सर्किट हाउस में बैठक कर आगे की रणनीति पर हम लोग विचार। बैठक में सभी पत्रकारों ने निर्णय लेते हुए नगर थाना प्रभारी सुनील सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए बुधवार की देर शाम 8 बजे के आसपास एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा के आवास पर पहुंचकर आवेदन सौंपा गया। वहीं एसपी ने आश्वासन दिया है कि मामले को लेकर गंभीरता पूर्वक जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पत्रकारों में जेजे के जिला अध्यक्ष अरविंद ठाकुर, प्रवीण कुमार, विक्की कुमार, रबनवाज आलम, आलोक कुमार, देव आर्यन समेत दर्जनों पत्रकारगण मौजूद रहे। वो अपने स्तर से वो रखते हैं अपने अपने माध्यम से और इसके लिए समाचार संकलन करते हैं। आज नगर थाना क्षेत्र में समाचार संकलन के दौरान हमारे एक पत्रकार के साथी के साथ नगर थाना प्रभारी ने दुर्व्यवहार किया है। उनकी इस भावना से हम सभी पत्रकार साथी आहत हैं। इसको लेकर के पत्रकारों की बैठक हो रही है और इस तरह की बातें कोई नई नहीं है। पूर्व में भी हमारे कई पत्रकार साथी हैं जिनके साथ की इस तरह की व्यवहार हुआ था, लेकिन हम लोगों ने सहयोग करते हुए, चाहे पुलिस पदाधिकारी या और कहीं पर हो, हम लोगों ने सहयोग किया और बात को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया, समझौता के तहत उस चीज़ को दबा दिया। लेकिन बार बार इस तरह करना निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि पदाधिकारी पत्रकारों के मनोबल को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं और उनके इस भावनाओं को झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन कभी नहीं होने देगा। वो निंदा करता है और यह मांग करता है ऐसे पदाधिकारी को इस तरह के उसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर जो अधिकारी हैं, वरीय अधिकारी, इस पर से निर्णय लें। हम लोगों की ये मांग है, झारखंड मांग करता है कि ऐसे पदाधिकारियों पर निश्चित रूप से किसी तरह की कार्रवाई करें जिससे कि पत्रकारों के आहत जो पहुंचा है उसमें कुछ सम्मान बचे।